अच्छा, तो हमारी बात हो रही थी मतलब कार्ड डिजाइनिंग पे, तो ये भी लाइक मतलब कि यहाँ मैंने अपनी तरफ से कार्ड डिजाइन की, और ये कुछ भी शेप वगैरह के साथ अप्लाई करके हमने क्या किया, डिजाइन वगैरह हमने क्रिएट की। इसको मैं भी ले लेता हूँ कंट्रोल। ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं, और इसको ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। इसको अब यहां से रिमूव करो और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं हम। तो ये भी हमारे पास लाइक मतलब एक टेक्स्ट बेस, कोई आपको कहे कि मेरे लिए टेक्स्ट बेस मतलब कि मुझे चाहिए मेरा जो डिजाइन है, जो मतलब शेप है, तो फिर आप इसके साथ प्ले करके टेक्स्ट के साथ, मैंने तो सिर्फ एस लिया है, आप इसके साथ मतलब एक साइड कोई और एक एक अल्फाबेट ले ले, दूसरी साइड कोई कुछ और ले ले। अच्छा, तीसरी जो अहम बात मैं करना चाह रहा हूँ इसके हवाले से, और वो ये है लाइक लेट्स सपोज आप कहोगे कि सर क्या हम बिजनेस कार्ड में मतलब कि टैक्स जो हमारे पास होता है क्या हम उसे वो कर सकते हैं। ये मैंने ये लिया और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई पिक्चर क्लिप कर दूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी मैं कुछ यहाँ से पिक्चर उठाता हूँ यहाँ से, काइंडली आप उसको भी देख ले। यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपनी कुछ शेप्स, मतलब कि एक ग्राफिक नहीं सॉरी, एक बिजनेस कार्ड में हम एक पिक्चर को किस तरह क्लिप करेंगे, ठीक है, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जरा थोड़ा बहुत आ जाए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ग्राफिक ग्राफिक ग्राफिक, इसमें हम आ जाते हैं कुछ पिक्चर, अच्छी तरह से पिक्चर में देख लेता हूँ कि हम उसको क्या करें क्लिप करें। तो हम किसी चीज किस चीज को ले सकते हैं हम, मुझे कुछ पिक्स पसंद नहीं आ रहे अभी यार। किसको ले ले यार, कोई भी पिक्चर हो, चलो इसको ले लेते हैं। जब आपके पास ई वाले इंक वो नहीं आ रहे ना, तो आपने फिर कंट्रोल वो कर देना है, दैट वुड बी मच बेटर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड पे रखता हूँ और मैं यहाँ कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहले एक शेप बनाया आप लोगों के सामने, ये वाला, हम इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। और इसको पहले चलो हम जरा साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर जो है इसके अंदर क्लिप हो जाए। मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस चीज को आप क्लिप करोगे तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उससे पहले आपने सबसे पहले आपने इसको नीचे लेकर जाना है। ये मैंने सबसे नीचे हमारे पास चला गया, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl 7 भी आप कर सकते हो, ये हमारे पास डायरेक्टली क्लिप मास हो जाएगा। अगर Ctrl 7 नहीं करना चाह रहे आप, तो इसके अलावा आपके पास एक और तरीका भी है कि राइट क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्म, और उसके उस पर भी क्लिपिंग मास का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है। तो अभी मैं ये करता हूँ यहाँ से, ये सबसे नीचे है तो मैं इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ये हो गया। और Ctrl+Alt+2 में कर देता हूँ, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शेप बिल्ड टूल लिया, और इसको मैं अभी ये एक शेप है ना, तो इससे पहले आपने एक यहाँ एक और रेक्टेंगल ले लेना है। अभी ये आपके पास डायरेक्टली जो होगा रिमूव हो जाएगा। दोबारा शेप बिल्डर टूल में ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, हियर ये भी माइनस हो गया, इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, हो गया। अच्छा, यहाँ से भी आप Ctrl+C और Ctrl+F कर दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे इसकी कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, सबसे नीचे लेके हम जाना चाहते हैं, तो ये हो गया। और एक स्टेप में और लेना आगे लेके आना चाहता हूँ,
ओ माय गॉड, ये क्या होना है? डन, ये मैं चाह रहा था, ठीक हो गया। इसकी कलर है मैं सेम ही रखना चाहता हूँ ये वाला, पर इसकी ओपेसिटी को मैं जरा कम करना चाहता हूँ, कि देख सकते हो कितना प्यारा से इफेक्ट अब नजर आ रहा है आप लोगों के सामने, अगर ये इस तरह होगा ना, ये देख लो। तो ये इस तरह की बिजनेस कार्ड भी आप बना सकते हो, इसके बैक साइड हो गई, अगर फ्रंट में आप कुछ मतलब के लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास है क्लिपिंग मास्क का तरीका। पहले सबसे पहले मतलब पिक्चर ले लेनी है, और जो शेप है उसको सबसे ऊपर लेके आना है, और उसको मतलब के पिक्चर को सबसे नीचे लेके चले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। दोबारा मैं क्लिपिंग मास्क का तरीका जरा बताता हूँ, जरा गौर से देख ले, ताकि आप लोगों को जिनको समझ नहीं आई उनको भी समझ आ जाए। अच्छा देख लेना, अच्छा इसको मैं जरा साइड पे रखना चाह रहा हूँ, हटा दिया मैंने। यहाँ पर मैं एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ, ये लिया मैंने, इसको मैं इसके अंदर क्लिप करना चाहता हूँ, ये लिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे, अगर ये मेरे पास इस तरह है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन दबा के और लेफ्ट का बटन ब्रैकेट प्रेस करके सबसे पीछे लेके जाऊंगा, दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, और Ctrl 7 पर भी, Ctrl 7 अगर मैं प्रेस करूंगा डायरेक्टली क्लिप हो जाएगा, Ctrl 7 और Ctrl Z में दोबारा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरह करूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। राइट क्लिक करोगे तो रीडू मेक क्लिपिंग मास्क, या इस पे भी क्लिक कर सकते हो, क्लिपिंग मास्क, ठीक हो गया। और एक और तरीका, Ctrl Z, और आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसके मतलब के मुताबिक एक और आप ले लो, और इसको एक अच्छा सा कलर दे दे, और इसको यहाँ एडजस्ट कर दे, ठीक हो गया। तो मैं ये ले लेता हूँ और इसको मैं कलर कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट सबसे पीछे लेके गया मैं। तो ये भी आप इस तरह की मतलब के प्ले कर सकते हैं, और एक अच्छा सा कलर दे सकते हैं आप, देखो। तो ये भी आप मतलब लोगो डिजाइन हो या जो भी हो, आप उसमें पुट फिट कर सकते हैं, और उसमें अगर आप कुछ लिखाई वगैरह करना है तो आप भी उसके साथ वो कर सकते हैं। तो ये हो गया किस तरह हमने एक मतलब कि एक शेप को हमने किस तरह फिट करना है, तो ये देख लो एक अच्छा। अगर फिर अच्छा डबल क्लिक जब करोगे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ था कि इसको भी हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहो, आप मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप उसके साथ प्ले करके उसी तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। दोबारा मैं इसे ऊपर जाना बाहर जाना चाहता हूँ, Ctrl Z करता हूँ, बाहर आपने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास निकल गया। तो ये इसको भी आप अगर बिजनेस कार्ड में क्लिक करना चाह रहे हो तो भी आप इसको मतलब कि यूज कर सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे अपना नाम वगैरह लिख दे, जो चीज़ आप मेंशन करना चाह रहे, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। तो ये हो गई हमारे पास मेक पेक्सल सॉरी क्लिपिंग मास्क। अच्छा इसके अलावा मतलब कि सर का मोबाइल खत्म था, मेरा मोबाइल खत्म नहीं है यार, इट्स नॉट अ बिग डील, नो वरीज, मेरा मोबाइल शेयर है, शेयर अभी मीटिंग भी कर रहा हूँ, सारा बंद हो गया था, दोबारा मतलब कि 9% पर चला गया। अच्छा प्लीज एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या ये थी हमारे पास बिजनेस कार्ड के हवाले से, बुक कवर हम बनाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, तो चलो खैर हम कुछ ना कुछ यहाँ कर देते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ, और बुक कवर का साइज हम देख लेते हैं कि बुक कवर हमारे पास किस तरह होना चाहिए और क्या है। अच्छा फ्रंट साइड आज हम ड्रा कर लेते हैं, बैक और फिर वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ गूगल पे, और यहाँ मैं देख लेता हूँ कि बुक कवर साइज, साइज हमारे पास क्या है, पिक्सल में मैं ले लेता हूँ, चलो बुक कवर साइज इन पिक्सल। अच्छा साइज क्या है, आइडियल डायमेंशन फॉर कवर फाइल, और 2560 हाइट होनी चाहिए और 1600 वेट होनी चाहिए, 2560 हाइट और वेट 1600। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ ड्रॉ करूँ। न्यू पे हम चले जाते हैं, और मैं यहाँ कुछ करता हूँ कि वेट हमारे पास क्या थी, 1600 पिक्सल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, 1600 और 2000 सॉरी क्या थी,
बुक कवर में इतना कुछ भी नहीं होता। अच्छा ये आपको याद रखना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। क्रिएट करता हूं मैं। अच्छा तो ये हमारे पास एक बुक कवर आर्ट हमारे पास आ गई। तो अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपने लगा देना है अंदाजा कि लाइक लेट्स सपोज आपको किसने कुछ क्या दिया है। बुक कवर यहाँ पर कुछ मेरे पास है भी, मैंने वो भी डिजाइन की है। बुक कवर सिंपल होता है, आपने बस सिर्फ क्रिएटिव चीजें ऐड करनी होती है इसमें। और ये सारी चीजें लाइक लेट्स सपोज ये भी हमारे पास एक बुक कवर है, हम एक बुक कवर यहाँ से ले लेते हैं और उसको ही डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ये देख लो सिंपल सिंपल चीजें होते हैं, आपने सिंपल टाइपोग्राफी के साथ प्ले करनी होती है इस तरह की। सो दैट्स ऑल। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का बुक क्रिएट करें। कॉपी इमेज में करता हूं यहां से। ये देख लो सिंपल पिक्चर इमेज ली है हम लोगों ने और सिंपल इसके साथ प्ले किया हुआ। ये देख लो ये वाला ट्राई करते हैं। चलो कॉपी इमेज, ये देख लो यहां आ जाते हैं कंट्रोल वी कंट्रोल टी में करता हूँ, इसको मैं जरा लॉन्च कर देता हूँ। ये तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा यार। चलो खैर मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं इसके लिए कुछ अच्छी सी इमेज अपनी गैलरी में देख लेता हूँ कि मेरे पास कुछ है कि नहीं। तो मैं यहाँ से कुछ भी देख के, अच्छा इस इमेज को मैं ला के लाना चाह रहा हूँ यार। अच्छा ये मैंने फोटोशॉप ऑन किया है। अच्छा आप ये ना सोच लेना कि सर ने क्या ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम फोटोशॉप पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, कल कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे आपका ठीक नहीं है यार, मेरा मोबाइल को क्या हुआ है। अच्छा ये मैंने फोटोशॉप ऑन किया है। सिंपल मैं तरीके बता दूँ कि किस तरह आपने एक बोल। अच्छा ये हमारे पास लेयर पैनल होता है, आप देख ले यहाँ, ये आपके पास लेयर्स होते हैं जिस मतलब लेयर्स पे हम काम करते हैं। तो ये हमारे पास वो होते हैं, तो इस लेयर को जो चीज आप लोगे ना आपको लेयर्स को देखनी होती है फोटोशॉप में। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो इमेज मैंने ली है कंट्रोल टी में इसको करता हूँ। कंट्रोल टी के साथ ये सेलेक्ट हो जाएगा जो लेयर्स आप काम कर रहे हो, तो कंट्रोल टी में सिंपल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कंट्रोल जेड। अच्छा यार ये फोटोशॉप है तो हम इस पर फिर काम करते हैं, ठीक है। तो चलो खैर इलस्ट्रेटर पर हम कुछ तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपको अभी फोटोशॉप की समझ नहीं आ रही तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उस पर नहीं जाता। चलो हम कुछ इस तरह से क्रिएट कर देना कि मतलब हमारे पास फोटोशॉप में कुछ ना कुछ यहाँ हम कुछ क्रिएट कर दें। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स पे हम चले जाते हैं और इसकी जो विड है पिक्सल में हम ले लेते हैं पिक्सल और 1600 width और height, ये दो types हमारे पास आ गए। so मैं यहाँ एक rectangle ले लेता हूँ, यहाँ एक book cover पर हम आज थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। कोई भी idea हम यहाँ से generate कर सकते हैं और हम ले सकते हैं। let's suppose जिस तरह मैंने ये बताया आपको और ये कहा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हम जनरेट करें। अच्छा तो ये फ्रंट में ले लेता हूँ कंट्रोल टू में करता हूँ ताकि मेरे पास ये लॉक हो जाए और यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ और ले लूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और दोबारा मैं अपने गैलरी पे आ जाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रैग किया, मैंने यहाँ पे ले आया। इस तरह लिया मैंने
और इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूँ। तो इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सबसे पीछे लेके गया मैं, और यहाँ मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7 जो मैंने आपको बताया था। और वैसे भी आप क्लिप मास्क डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको जरा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, मेरी मर्जी है। तो इस तरह की कुछ मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ, द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह कर सकते हो, ये वाला फॉन्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ये वाला हो गया। इसको हम व्हाइट ले लेते हैं, सादा सा कवर मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम किस तरह के कवर बनाते हैं। टाइटल सबसे ऊपर होनी चाहिए आपकी इस तरह। फोटोशॉप पे हम और भी इस तरह अच्छे कवर बना सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहां भी आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह एक अच्छा कवर बना। सिंपली आपने यहाँ से ये लिया और अलाइन टूल पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ अलाइन टू आर्टबोर्ड, ये तो सेलेक्ट ही नहीं है मेरे पास, तो अलाइन टू आर्टबोर्ड कहाँ से आ गए। ठीक हो गया, ये हो गया द वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर आतर का नाम अगर आप लिखना चाह रहे हो, या तब मैं नीचे कुछ और टाइटल देना चाहता हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट है, मैं वो ट्राई करता हूँ, कंट्रोल ए, डीलिंग, विद ग्लोब, ये हो गया। मैं ट्राई करता हूँ कि ये जरा यूनिक आ जाए, ये ठीक है, पर इसकी मैं जो फैमिली है इसको मैं जरा ट्राई करना चाह रहा हूँ कि ये जरा और मेरे पास रेगुलर जबरदस्त। इसको भी मैं कलर जो है इसकी व्हाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस नीचे वाले को भी मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं अभी अलाइन टू ऑब्जेक्ट करना चाह रहा हूं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला हमारे पास इसके बीच बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। हो गया, तो कंट्रोल इसको मैं जरा इसके साथ टच करना चाह रहा हूं, ये हो गया। और नीचे आपके आतर का नाम अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो या कुछ डिटेल लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, जिस तरह आप यहाँ से भी मुख्तलिफ आइडियाज ले सकते हो कि आतर का नाम मुझे कहाँ लिखना चाहिए। टोनी यहाँ देख सकते हो, नीचे मेंशन किया हुआ है मार्टिन, और यहाँ अगर आप कोई नाम भी मेंशन करना चाह रहे हो यू कैन डू दैट। ओके, कंट्रोल ए, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ टाइटल। ऊपर अगर नहीं है तो भी आप ऊपर ला सकते हो इसे। और लेट्स सपोज मैं यहाँ दोबारा करेक्टर पैनल पे आ जाता हूँ, करेक्टर पे मैं आ गया, इसकी जो स्पेसिंग है मैं इसको जरा ज्यादा करना चाह रहा हूँ, स्पेसिंग ही वाली स्पेसिंग, अच्छा 10 मैंने कर दी, ठीक हो गया। और इसको मैं बीच में, इसको भी मैं अलाइन आर्टबोर्ड कर दिया मैंने, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा, तो नजर नहीं आने के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने एक सिंपल ये लेना है, रेक्टेंगल जिंदाबाद, रेक्टेंगल मैंने ले लिया और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, इसकी कलर मैं ये ले लेता हूँ और
ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसकी ये आ गई, इसकी ओपेसिटी में अगर कम करना चाहो तो भी कम कर सकता हूँ ताकि पता भी ना लगे। और ये हमारे पास इसको मैं जरा और स्मार्ट बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह भी कर सकते हो आप इसको। ये अभी अगर अलाइन नहीं हो तो दोनों को सेलेक्ट करें और इसको अलाइन टू ऑब्जेक्ट भी कर दे। इसको मैं इसकी अलाइन करना चाह रहा हूँ, मिड में भी आ जाएगा, देख सकते हो काफी मूवमेंट कर रहा है, ये बहुत गलत था। तो ये यहाँ पे बिल्कुल अलाइन हो गया। अगर इसको नीचे में लाना चाह रहा हूँ तो भी कर सकता हूँ, और यहाँ भी लाना चाह रहा हूँ तो भी कर सकता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गई हमारी बुक कवर की जो सबसे पहली जो लाइन थी, ये हो गई। इसको मैं जरा यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया, मैंने ड्रा किया, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है आप इसको लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। सिंपली आप इसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, जो भी कलर आपके लिए अच्छा लगे, सूट लगे, तो यू कैन जस्ट ग्लो इट डायरेक्ट। ये फ्रंट कवर आ गया हमारे पास। बैक कवर पर हम कुछ करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है इसने, ये क्या लिखा है कोई बता सकता है, हाइपोथेसिस है कि क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे भी मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। दोबारा मैं अपना टूल ले लेता हूँ, चलो मैं गाइडलाइन लिख देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और आर्ट और शिप के साथ मैंने ड्रैग किया। और तेरी ये कैसा लिखा है, गाइडलाइन हो गई मेरे पास। और इसको मैं जरा मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जरा सीधा आ जाए, और टेक्स्ट को मैं जरा डिफरेंट करना चाहता हूँ, डिस्प्ले बोल्ड, और इसकी जो स्पेसिंग है मैं इसको भी कम कर सकता हूँ, 0 पर मैं लेके आता हूँ। ये हो गया, इस तरह मैंने किया। अच्छा, ये कंट्रोल टू तो इसको कर लेते हैं कि ये मूव ना हो। ये हो गया, और मैं टेक्स्ट टूल दोबारा लेना चाहता हूँ, सिंपल ड्रैग करता हूँ मैं ताकि मेरे पास जो है एरिया गिरी हुई आ जाए। और थ्री कंट्रोल ए में करता हूँ, और इसकी जो साइज है मैं इसको 72 कर देता हूँ। कंट्रोल 0 पे आ जाते हैं। इसकी कलर मैं दोबारा वाइट करना चाहता हूँ जरा, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ। पैराग्राफ में अगर आप चाहते हो कि इस तरह, इट्स अप टू यू द वे यू वांट। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मिड में आए। ये हो गया, और इसकी ओपेसिटी को मैं जरा कम करना चाहता हूँ कि इसकी लुक जरा हमारे पास और यूनिक लगे। करेक्टर में जाके मैं इसकी जो बीच में जो स्पेसिंग है इसको भी जरा ज्यादा कर देता हूँ। ये बोल्ड है, इसको मैं इटालिक में लेके आता हूँ। देख लो अभी इसका किस तरह लुक नजर आ रहा है हमारे पास। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ इसके साथ, तो ये हमारे पास अलाइन टू ऑब्जेक्ट में करना चाहता हूँ, अलाइन टू ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, इस तरह हो गया, डन। दोनों को मैं अब सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, और इसको अलाइन टू आर्ट बोर्ड होनी चाहिए हमारे पास। अब ये हो गया। तो ये हमारे पास एक बुक कवर हमने डिज़ाइन कर दी। नीचे अगर आप कोई शेप वगैरह इसमें, यही सेम शेप अगर आप इसमें भी लगाना चाहते हो तो आप इसके साथ ये कर सकते हो, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस टू कर दो। यहाँ से हम कोई और शेप ढूंढ लेते हैं, इसके बीच में भी आप लगा सकते हो, पर अगर आप चाहो कि कोई और हमारे पास आनी चाहिए, चलो इसी के साथ हम ही वो कर देते हैं। इसकी डिजाइन जरा हम चेंज करना चाह रहे हैं।
इसको मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, पीछे लेके गया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड किया है, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7 प्रेस किया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास फ्रंट और बैक डिजाइन आ गया। इसकी ओपेसिटी को मैं जरा कम करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी, खैर ठीक भी है, अगर आप फिर भी आप इसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो इट डाउन, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इसकी फ्रंट साइड हो गई, ये बैक साइड हो गई। अच्छा, और जी जो मिड वाली बाउंड्री है ना, बॉर्डर है, आप इसको सिंपली अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक मतलब के ये वाली बाउंड्रीज हैं, ये फ्रंट साइड हो गई, ये वाली साइड, और ये बीच वाली जो साइड है आपने इसको सिंपल कलर कर देना इस तरह, ये वाला कलर नहीं, कलर किया, इसको लिया और सिंपली फिल विद दिस शेप। इसको मैं जरा खोलना चाहता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को दिखाई दे रहे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं जरा यहाँ में लेके आता हूँ, ये हो गया, और इसको भी मैं जरा यहाँ थोड़ा सा लेके आता हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या है, बुक कवर डिजाइन है, ठीक हो गया। तो इसको मैंने डिलीट किया, कंट्रोल जी, क्यों डिलीट किया राशिद, मेरी मर्जी है यार, डिलीट करूँ नहीं करूँ। अच्छा, तो ये है हमारे पास, अभी मैं टाइप टूल ले लेता हूँ और दोबारा यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, पर टाइप टूल वर्टिकल में कोशिश करता हूँ कि हम करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, द वर्ल्ड, कंट्रोल ए, सारों को मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, ये हो गया, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ, इस तरह हो गया, और इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, अलाइन पे आ जाता है, अलाइन टू ऑब्जेक्ट दोबारा हम करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ये इसको बिल्कुल मिड में आ जाएगा, ये हो गया, और इस तरह हो गया, इस तरह नहीं, सॉरी, ये मिड में आना चाहिए, ठीक हो गया। और इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो स्टाइल है मैं चेंज कर लूँ, फॉन्ट्स ठीक नहीं है। अच्छा, एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए, जिस फॉन्ट में भी आप काम करना चाह रहे हो ना, वो फॉन्ट क्या होना चाहिए, मतलब कि एक फॉन्ट होनी चाहिए, अलग अलग में आपने काम नहीं करना। द वर्ल्ड, ठीक हो गया। आप इसमें इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हो ताकि आप एक स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये हो गया, और इस सॉर्ट ऑफ यू नो, या वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने एक बुक कवर डिजाइन कर दिया। आप इसको किस तरह भी जनरेट करोगे, सिंपली आपने क्या कर देना है, पीडीएफ फॉर्म में भी आप कर सकते हो, लाइक लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहां भी आ सकते हो, एक्सपोर्ट इज, डेस्कटॉप पे आ जाए, और जेपीजी में भी आप कर सकते हो, जेपीजी यूज आर्ट बोर्ड करना है हमने, सारों को करना है, रेंज इस तरह होता है ना कि लाइक लेट सपोज ये 1 2 3 है, आपने कौन कौन सा करना है, 1 2 करना है, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 1 2 तो ओनली 1 2 होगा, अगर लिख दूं कि 1 3 1 3, ये अभी 1 2 3 है, मतलब सारे, अगर ये 5 होते हैं ना तो 1 2 5 पर लिखा होता। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन कौन सी पेज आपने करी, मैं कहता हूँ कि ऑल पेजेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं आ गया और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, देखते हैं कि अभी ये क्या कहता है, 300 पर ये हमारे पास अभी यहाँ आ गए, ठीक होगा, ये भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका बुक कवर, ये हमारे पास क्या है, फ्रंट साइड है,
ये फ्रंट साइड हमने लिया, इंशाल्लाह हम जो फोटोशॉप में काम करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या है बैक साइड हमने ली, क्या गाइडलाइन वगैरह जितनी चीजें है, ये मैंने एज अ डेमो टेक्स्ट लिया। और ये पे क्या किया हमने, इसको अब हम मतलब के मॉकअप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो कुछ और चला गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी एक बुक कवर डिजाइन कर दी। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने प्रिंट करना है, तो आप उसको प्रिंट जब करना है तो आप एक्सपोर्ट करके इस तरह भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट इज सॉरी, फिर आपने ये नहीं करना, जब सेव एज फिर करोगे, ठीक है, सेव या सेव एज करना है तो डेस्कटॉप पे आ जाए और यहाँ पीडीएफ में लिखता है पीडीएफ फॉर्म पीडीएफ और फिर एक्सपोर्ट कर देना है आपने। लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो जब आपका क्लाइंट आपसे काम मांगेगा तो यू नीड टू सेंड हिम इन दिस फाइल। कहाँ आ गया, ये देख लो, ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो है मतलब कि बैक जो है होगा, जो बोन जिसे हम कहते हैं वो ये है, और ये हमारे पास बैक साइड है और ये फ्रंट साइड का डिजाइन है हमारे पास। तो समझ आ गई आपको कि बुक कवर हमने किस तरह बनानी है और किस तरह नहीं। उम्मीद रखता हूँ कि समझ तो जरूर आ गई होगी आपको।